नमस्कार। जिस तरीके से हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक त्याग की परिभाषा को दिखाया गया है, जैसे राम जी ने अपनी सत्ता को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास जीता, वैसे ही फिल्म हिंदुत्व में हमने देखा कि भरत ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आज सबसे पहले तो मेरे सामने टीम है, प्रोड्यूसर सर हैं, करनी सेना के प्रेसिडेंट साहब हैं, आशीष जी हैं और साथ ही साथ डायरेक्टर साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। सर, सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ इस फिल्म के लिए, ज़बरदस्त आपने प्रदर्शन किया। डायरेक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ एक सवाल, जो मैं फिल्म देखते वक्त दिमाग में चल रहा था, जितना आपने फुटेज पर्टिकुलर हिंदू यानी कि भरत को दिया है, उतना ही फुटेज आपने समीर को भी दिया है। सर, ये कॉन्सेप्ट, ये जो बातें हैं, ये दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त, मैं जानना चाहता हूँ। मैं फिल्म को एक तरफा नहीं करना चाह रहा था कि मैं सिर्फ हिंदुत्व नाम है तो मैं सिर्फ हिंदू को ही दिखाऊँ, मैं दूसरी जाति को न दिखाऊँ, मुस्लिम को न दिखाऊँ। नहीं, अगर आप देखेंगे तो जितनी इसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, उतनी ही हमारे समीर सिद्दीकी की, उर्फ अंकित राज जिसने वो रोल किया है, उसकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही अट्रैक्टिव है जी। तो मैं ये चाहता था कि एक बैलेंस्ड बात की जाए, खुल के बात की जाए जी। कोई बात व्हाट्सएप्स के जरिए जा रही है, पीठ पीछे जा रही है, कुछ बातें ना इस फिल्म में सामने हैं कि जो बात है दिल में वो खुल के कर रहे हैं दोनों जी। तो वो एक मुझे लगता है कि इस फिल्म का निरालापन है, उसे खूबसूरती कह दीजिए या जो कहिए, लेकिन वो मेरे दिल में था कि कोई भी बात दब के न रहे, आमने सामने बात आए, वाद विवाद हो, चर्चा हो और उस बात को हल किया जाए। वेरी नाइस। आशीष मेरे साथ हैं, आशीष ने भरत का किरदार पोर्ट्रे किया है। आशीष, इस किरदार में जो डीपेस्ट बात आपने पकड़ी वो क्या थी, और एक एक मैसेज लेकर जाता है एक एक्टर, ऐसा कहते हैं, तो आपने क्या मैसेज लिया है? जी, डीपेस्ट बात मैंने ली नहीं, वो शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी, वो मैंने बस भरत के अंदर डाल दी। हम बार बार ना हिंदुत्व को जो हमारे इस समय जो परिभाषा चल रही ना हिंदुत्व की, वो ये चल रही है कि हिंदू अब सहिष्णु नहीं रहेगा। तो अगर सनातन सहिष्णु नहीं है तो फिर दुनिया में कौन सा धर्म है जो सहिष्णु है? और हम अपनी परिभाषा को तोड़ दे रहे हैं। सनातन जो है इस धरती का वो तत्व है, जो भी सनातन है हमारा, तो हर पूजा अर्चना खत्म किससे होती है? विश्व का कल्याण हो, इससे हम हमारी पूजा समाप्त करते हैं। हम निजी हित की बात नहीं कर रहे, हम विश्व के कल्याण की बात कर रहे हैं। जहाँ पर हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं तो हमें हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, वर्ण को साथ में लेकर चलना ही होगा। और अगर हम नहीं चलेंगे तो भारत कभी अखंड हो ही नहीं सकता। इतनी भाषाएँ, इतनी बोलियाँ, इतनी जातियाँ, इतने लोग, इतनी वेशभूषाओं के साथ में यहाँ पर रहते हैं, ये तो संस्कृति है हमारी। और अगर हम उसी को नकार दें, अपनी परिभाषा को उसी से परे कर दें, तो फिर अखंड भारत का सपना कैसे देखेंगे हम? और हिंदुत्व जो है वो अखंड भारत की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है, और यही बात मैंने भरत के अंदर डाली जी। आशीष जी, एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ, रिसेंटली आदि पुरुष का भी एक टीज़र आया है और आई होप सो आपने भी देख लिया होगा, बिकॉज एज एन एक्टर भी हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं बहुत सारी। सो व्हाट यू वांट टू से, आपका क्या कमेंट है उस पर्टिकुलर टीज़र को देखने के बाद? देखिए, मैं स्वयं क्योंकि राम प्ले कर चुका हूँ और बहुत ही सक्सेसफुल शो था वो सिया के राम, उस पर बहुत सारा रिसर्च लगता है जब भी हम इस तरह की कहानियाँ कहते हैं। और मैं इसे हमारी माइथोलॉजी नहीं समझता हूँ, मैं इसे हमारा इतिहास समझता हूँ कि ये हमारे देश में घटा है। श्री राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, और उनका साइंटिफिक प्रूव है हमारे पास। तो इसको सबसे पहले तो माइथोलॉजी का नाम देकर आप काल्पनिक कहानियाँ नहीं बना सकते हैं। दूसरा कि अगर हम क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या क्रिएटिव लिबर्टी लेना चाहते हैं तो हम हमारे इतिहास के तथ्यों से अलग ना हों। अगर मैं रावण को किसी पक्षी के ऊपर बैठा देखता हूँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा विजुअल है, तो फिर उसने एक उड़ने वाले यान के लिए, इतना बड़ा पुष्पक के लिए इतनी बड़ी उसने लड़ाई क्यों लड़ी जी? जब उसके पास में उड़ने वाले चमगादड़ थे जी, तो उसे क्या आवश्यकता थी फिर? सो तथ्य जो है ना, तथ्यों से हम नहीं दूर जा सकते। क्योंकि आप भले ही बोल दें हमने वाल्मीकि रामायण से लिया है या किसी भी रामायण के, तो 1000 वर्जन है, अब आप किसी ना किसी से जोड़ी लेंगे उसको, तो यही तो अब यही खूबसूरती है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं। पर हमें हमारे, जब हमारे देवी देवताओं, हमारे इतिहास की बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की भी छवि को अगर आप जानना चाहते हैं बहुत सिंपल तरीके से, आप हर भगवान की आरती को ढंग से सुनेंगे ना, तो उनकी वेशभूषा,
उनकी भाव भंगिमा वो कैसे दिखते हैं, कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ बजड़ हो जाए, विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सोन केसरी नंदन तेज प्रताप महात्मा जगवंदन, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, आपको सब मिल जाएगा उसके अंदर। तो अगर आप इतना भर पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको उसको प्रेजेंट करना है। इसके ऊपर आप जितना क्रिएटिव एक्सप्रेशन फ्रीडम लेना चाहते हैं ले लीजिए, बट इनसे परे मत जाइए। वेरी नाइस। हमारे साथ करनी सेना के प्रेसिडेंट साहब हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जब कभी भी हमने देखा है कि बॉलीवुड ने कुछ ओछी हरकत करी है बहुत सी फिल्मों के द्वारा, उस टाइम पे करनी सेना ने बोला है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ सर। ये मतलब करनी सेना के फॉर्मेशन और जो उसकी पूरी है कि भारत की संस्कृति को बचाओ, क्या ये देखिए ये करनी सेना का मोटो है जो है, लेकिन ये करनी सेना ने कोई ये ठेका लेके नहीं बैठा, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि आज जो फिल्मों के माध्यम से हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता के खिलाफ अगर कोई गलत काम करेगा तो करनी सेना तो है ही है, वो तो मुँह तोड़ जवाब देगी, लेकिन यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति को उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज मैं ये फिल्म फिर से देखने आया हूँ हिंदुत्व, तो क्योंकि जब मैं कल फिल्म देखी, देखने के बाद मेरे ही लोगों ने कहा कि दादा ये फिल्म हमें भी देखना है, मैंने कहा चलो, बोला आप चलोगे, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मेरा ये किसी का ये व्यक्तिगत नहीं है कि मेरे दोस्त की पिक्चर है, इंडस्ट्री में 90% मेरे दोस्त है, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं उनकी फिल्में बैन करता हूँ क्योंकि वो लोग गलत काम करते हैं। आज मेरा हिंदुत्व को बचाना है तो मेरे ऐसे भाई लोगों को सपोर्ट करना है कि जरूरत पड़ेगी, क्यों आज इन्होंने हिंदुत्व मूवी बनाई है जिससे मेरे युवाओं को सीख मिलेगी, जिससे हमारे शास्त्रों में जो वाक्य हैं जो लिखे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। आज ही हिंदुत्व को मैं सपोर्ट करूंगा, मेरे लोग सपोर्ट करेंगे, आने वाले टाइम में यही तो शिक्षा ग्रहण करेंगे, पिक्चर देखने के बाद में जो हमारे दिमाग में जो महसूस करते हैं वही आगे जाके पनपता है जी। तो हिंदुत्व फिल्म देखनी चाहिए, हर व्यक्ति को देखनी चाहिए, और जो लोग इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये कहते हैं ना कि इंडस्ट्री के लोग आए नहीं गए नहीं गए, स्टार आम पब्लिक बनाती है, इंडस्ट्री के लोग नहीं है, इंडस्ट्री जो ऊपर बैठे हैं चार पांच जो स्टार हैं वो स्टार नहीं बनाते हैं, हिंदुस्तान की आम पब्लिक गरीब पब्लिक वो स्टार बनाती है क्योंकि वो खुद अपने पैसे से फिल्म देखने के लिए जाते हैं। वेरी नाइस। हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर साहब हैं। सर आपसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरीके से फिल्म परफॉर्म कर रही है आई एम रियली ग्लैड कि ये फिल्म अच्छा कमाए, दिल से चाहता हूँ। सर एक रिस्क होता है राइट, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्टिंग में तो वो फलीभूत नहीं होता है लेकिन फिर इवेंचुअली वर्ड ऑफ माउथ जाता है, फुटफॉल्स बढ़ते हैं सिनेमाघरों में, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, और प्लस ये क्या ख्याल आया था आपका कि जब आप ये फिल्म को सुना आपने बनाया और फिर जब पूरी प्रोसेस में थे? रिस्क तब लगता है मेरे हिसाब से जब आप किसी अपने धर्म पे विश्वास नहीं करते हो, अपनी भारत माता पे विश्वास नहीं करते हो, अपने लोगों पे विश्वास नहीं करते, आपने जो बचपन से सीखा उस पर विश्वास नहीं करते, तो डेफिनेटली रिस्क लगता है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि मुझे विश्वास था इस भारतीय सभ्यता पे, अपनी संस्कृति पे, अपने लोगों पे, करंजी पे, अपने किरदारों पे और अपने करनी जैसे भाइयों पे जिन्होंने एक मेजरमेंट का काम शुरू किया है। क्योंकि अंदर जब आप बैठते हैं बॉलीवुड के अंदर, तो जब जैसे करण जी ने पूरा इसको फिल्म को रचा, यू नो किरदार प्लेस किए, पूरी फिल्म को तैयार किया, कई बार क्या होता है कि हम खुद को नहीं समझा पाते क्योंकि हम कोई स्टेप बदलली ट्रीटमेंट नहीं करते उस टाइम पे, हम खुद को नहीं समझा पाते कि हमने कोई एक जगह कहीं पर गलती की है, लेकिन वो ठीक करने वाले कहीं ना कहीं आपके साथ बैठे रहते हैं, वहाँ मेक अ चेकर रूल अप्लाई होता है, और वो काम मेरे हिसाब से बड़ा अच्छे से आज करनी सेना कर रही है। वो बता रही है कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए और ये अच्छा है तो इसको और अच्छा कर लीजिए। तो मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत सपोर्ट मिलता है और मेरे हिसाब से यही मेरे विश्वास का कारण है, और मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लगा इस फिल्म को शुरुआत से लेकर अभी तक और आगे तक इसके अगले भाग तक जाने के लिए। जी सर, अगला सवाल मेरा उसी से जुड़ा हुआ था क्योंकि पार्ट वन जिस तरीके से एंड हुई है हमें इनकम्प्लीट लगी है, हम जानना चाहते हैं समीर के साथ क्या हुआ, सपना के साथ क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं कि जो किरदार है आशीष भाई का वो क्या वापसी करेगा कुछ और तरीके से या क्या होने वाला है सर, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। देखिए करण जी कलम को ही पता है, मैं भी नहीं सुनता इनसे क्योंकि मुझे इनके ऊपर इतना विश्वास है कि इन्होंने जितने भी भाग आगे लिखे रखे हैं वो इससे और मजबूती से अपनी बात को पेश करेंगे, सच्चाई के साथ पेश करेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इसलिए मैं इनसे पूछता ही नहीं कभी, मैं कहता हूँ सर जो आपने लिखा है वो एक्सेप्टेड है जी और पूरा विश्वास है, इसीलिए ये जोड़ी जो है ये सब लोगों की जोड़ी आगे चल रही है। सर पार्ट टू वैसे अगर बात की जाए मतलब कब तक आ सकता है, 2 साल 3 साल 1 साल?
देखिए जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, आई थिंक नेक्स्ट जब आप चाहेंगे और जब आप इतना वेलकम कर रहे हैं तो हमें तो और हमारे पंख लग जाएंगे जी, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिंदुत्व। जय श्री राम।